मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। अभी हम लोग हैं स्कॉर्पियो एन के पूरे पैराडाइज के अंदर, और बहुत सारी तरीके की आप लोगों को जो है स्कॉर्पियो एन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तरीके से क्या कहने का मतलब है, अब आप लोगों को जो स्कॉर्पियो एन है वो आप लोगों को ऑफ रोडिंग यानी कि 4x4 वाली फील के साथ भी मिलेगी। वो फील कितनी सक्सेसफुल है, कैसे है, आप लोगों को जब एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ऑफ रोडिंग का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तब मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। हम लोग अभी है पुणे के अंदर, और अब जो है एक ओवरलुक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, गाड़ी आप लोगों को 9 कलर में मिलती है। मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा ब्लैक है और वाइट है, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। सबसे एक ऑड कलर जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन अगेन हर किसी का अपना प्रेफरेंस जो है वो बन जाता है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि गाड़ी के हेडलैम्प्स के बारे में। तो आप लोगों को गाड़ी के अंदर ड्यूल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब इसमें थोड़ी अगर मिट्टी में साफ करके आप लोगों को दिखाऊं, अंदर जो है इसका पूरा मैट फिनिश है। इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो टॉप एंड वेरियंट गाड़ी आती है जिसके अंदर LED हेडलैम्प वाला यानी कि यही वाला जो वेरियंट है, इसका जो अंधेरे के अंदर रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा मेरे को जो है खास नहीं लगा। जब मैं गाड़ी को ड्राइव करके आया तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसके नीचे वाले जो वेरियंट्स है उनके अंदर अगर आप लोगों को प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिल जाए और आप LED मतलब HID जो है चेंज कर सको, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है रेक्टिफाई होकर जो है निकल के आएगी। बाकी डिजाइनिंग वाइज इट्स रियली नाइस। बीच के ग्रिल के बारे में बात करते हो, आप लोगों को याद थोड़ी थोड़ी जो है Altiris की आ जाएगी। साथ ही साथ में इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो आप लोगों को केवल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल होता है। यहाँ पर महिंद्रा का न्यू लोगो है। ये डिजाइनिंग जो है क्रोम और थोड़ा सा मैट जो प्लास्टिक वाला लुक है वो आप लोगों को सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो इस गाड़ी को जो स्कॉर्पियन या फिर जो स्कॉर्पियो एन स्टिंग वाली जो चीज़ दी गई है उसमें आप लोगों को जो है DRL वाला लुक देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर थोड़ा सा इसको भी और साफ करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर्स लगे, यानी कि आप लोगों को हेडलाइट में भी प्रोजेक्टर्स मिलते हैं और फॉग लैंप्स में भी जो है LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोगों की कितनी हवा का पासिंग वासिंग सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो सके उसके लिए कंपनी ने आप लोगों के लिए पूरी चीज़ करी है। फ्रंट में आप लोगों को जो है सिल्वर कलर का यहाँ पर डिफ्यूज़र देखने को मिल जाएगा और इट लुक्स रियली नाइस। ठीक है भाई, बढ़िया लगती है। बाकी इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत, जो इस गाड़ी को देखने के बाद कई सारे लोगों ने बोला था, भाई इसका जो हुड है यानी कि जो इसका बोनट है वो काफ़ी लंबा है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी है। तो जी हाँ, क्रीज लाइन्स के साथ में अगर आप लोग लुक के बारे में बात करते हो तो इट लुक्स रियली नाइस। क्रीज लाइन्स आप लोगों के सामने है, कैसा क्या है रिस्पॉन्स आप लोगों को जो है टेस्ट ड्राइव के थ्रू जो है वो पता चल चुका होगा, और मोस्ट प्रोबब्ली उसी के बाद जो है हम लोग ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे होंगे। ठीक है, अगेन उससे ज़्यादा क्लियर जो है ये वाली गाड़ी है। तो हेडलैम्प्स वाला आप लोग लुक फिर देख लो भाई। ठीक है, ग्रिल वाला भी लुक चेकआउट कर लो, फ्रंट कैमरे वाला भी देख लो, फॉग लैंप्स भी चेकआउट कर लो। ठीक है, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को साइड प्रोफाइलिंग भी चेक कराया था। तो आप लोगों को जो है अगर प्लानिंग कर रहे हो आप खरीदने की, तो Z8L जो है उनमें आप लोगों को 17 और 18 इंची के अलॉय व्हील्स का जो एक कहते ना क्या बोलते हैं ऑप्शन जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर MRF वेंडरर के टायर्स है, अलॉय व्हील जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ अच्छे लग रहे हैं। और 18 इंची का एक टायर का साइज़ जो है SUV के अकॉर्डिंग जमता भी है। जो इस गाड़ी की व्हील आर्क है वो आप लोग देख सकते हैं, और ये सिग्नेचर व्हील आर्क है और काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्पटिंग वाला लुक जो है आप लोगों को दे देता है। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी पहले से बेटर किया गया, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है वो काफी हद तक जो है बेटर हो जाती है। अब आती है बात आप लोगों के साइड मिरर के बारे में। तो आप लोगों का जो साइड मिरर है वो आप लोगों को बॉडी कलर का विथ इंडिकेटर्स विथ फोल्डेबल विथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल के साथ में ऑप्शन वाइज मिल जाता है। ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल जो है वो बहुत पर्सनली अच्छा लगा। उसके साथ में अगर आप साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हो, ऑल्दो कंपनी ने जो है ये पूरा एक क्रोम जो लाइन ये स्टिंग बनाया है ये पसंद है, लेकिन मेरे को मैं स्पेशली जो है मैं क्रोम का ज्यादा लवर नहीं हूं, तो मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। और अगर मैं इस गाड़ी को परचेज करता तो मैं शायद से मॉडिफिकेशन में जाके जो है क्रोम को इसको भी मैं जो हूँ डी क्रोम करा के ब्लैक फ्लैग कुछ करा दूँ, वो मेरा अपने पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगेन कंपनी आपको ऐसा देता है, कई सारे लोगों ने इसको जो है देख के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है हम लोगों को दिया। डोर हैंडल्स के बारे में बात करते हैं, डोर हैंडल बॉडी कलर का विथ क्रोम फिनिशिंग विथ कीलेस एंट्री का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ में आप लोगों की पूरी क्लैडिंग चल रही है, आप लोग देख सकते हो, फ्रंट से आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइड से पीछे की तरफ में जाते हुए पूरा क्लैडिंग का जो एक लुक है वो आप लोगों को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर अगर आप लोग बैठना चाहे। आई गेस ये गाड़ी अभी खुली है, ठीक है, तो इसमें अगर आप चढ़ना चाहे तो यहाँ पर आपने पैर रख के आप लोगों को फुट स्टेप जो है इसके अंदर मिल जाता है, बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये आप लोगों को मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है। अभी इंटीरियर के बारे में भी आप लोगों को मैं लेके आऊँगा, पहले बाहर का सब कुछ चेकआउट कर लो। रियर में भी आप लोगों को जो आप लोगों के डोर हैंडल्स मिलेंगे विद क्रोम फिनिश, यहाँ पर आप लोगों के रूफ रेल जो आप लोगों के सिल्वर फिनिशिंग में है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे फ्रंट क्लैडिंग मतलब फ्रंट में आप लोगों ने स्किड का एक आइडिया देखा, साइड में आप लोगों ने जो है पूरा क्लैडिंग का वो देखा लुक। अब रियर की तरफ में आते हैं, रियर के बारे में कई सारे लोग बोल रहे थे, भैया ये
ये अर्टिका जैसी दिखती है, ये वैगनार जैसी दिखती है। तो भाई अगर आप कंपैरिजन कर ही रहे हो तो वॉल्वो से करो, और आप बताना वॉल्वो की कौन सी गाड़ी जैसे लगती है, वॉल्वो XC60 कैसे लगती है, XC90 कैसे लगती है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को तो पता ही है, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना। टेल लाइट जो है आप लोगों को रियर में इसकी LED टेल लैंप जो है इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, रियर डिफोकस मिलते हैं, विथ वाइपर मिलता है, रियर आपका जो डोर है वो यहाँ से खुलता है, इसके अंदर भी आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन है। महिंद्रा का जो है यहाँ पर आप लोगों को लोगो देखने को मिलेगा। अब आप जो देख रहे हो वो है 4 Explore, यानी कि आप लोगों का जो 4x4 वाला वेरियंट है। कैसे इसकी वर्किंग होती है तो उसके जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे उसमें मैंने सारे फीचर्स के बारे में बात करी है। रियर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को रियर डिफ्यूजर सिल्वर देखने को मिलेगा, रियर रिफ्लेक्टर्स, और आप लोगों के जो बैक गियर डालने में लाइट जलती है वो यहाँ पर आप लोग इजिली जो है विजिबल देख सकते हैं। बैक कैमरे की प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, रियर में बैक कैमरा जो है वो आपको कुछ यहाँ पर जो है प्लेस्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आइडिया वाइज जो है मैंने आप लोगों को बताया। ऊपर की तरफ बात करते हो, शार्क फिन एंटीना है, ये आप लोगों का रियर स्पॉइलर है, इट ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। इसी के साथ में आप लोगों की जो स्ट्रोब लाइट्स जो है वो पीछे आप लोगों की लगी है, और रात में चलाते वक्त ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भाई काफ़ी अच्छी निकल के आई है, ठीक है। बाकी ये गाड़ी चलाने में मुझे कैसी लगी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली है, वो आप लोग ज़रूर देखेगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा हाईवे और सिटी के अंदर क्या फील थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब जो है आप लोगों को एक नया फुल जो लुक वाला इंटीरियर है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसको बहुत सारे नाम दिया गया लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल से आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने अगर चॉकलेट कलर वाला पूरा एक फील देखा तो वो आप लोगों को लेदराइट का इस पर फील देखने को मिलेगा। अगेन इसमें जो फिनिशिंग है वो आप लोगों को ड्यूल टोन की एक फिनिशिंग है, ब्लैक के अंदर पियानो फिनिश वाला जो पूरा लुक है, ग्लॉसी लुक जो है वो आप लोग देख सकते हो। गाड़ी इसलिए गंदी है क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग करके आई है, अंदर देखो पैर में जो है पूरे निशान बने हुए। यहां से आप लोगों का लॉक अनलॉक है, यहां से आप शीशे जो है पीछे अगर नहीं चाहते एक्सेस कर पाए वो, ये आप लोग की पावर विंडोज, यहां से आप लोग साइड मिरर्स फोल्ड या वो कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को पावर देनी पड़ेगी तभी ये जो है फोल्डेबल बन पाएंगे। लेदराइट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, लेदराइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये लेदराइट नहीं है, दिस इज प्लास्टिक, ठीक है। अपना जो चॉकलेटी वाला कलर है ये आप लोग देखने मिलेगा, सिल्वर फिनिशिंग आप लोगों को अंदर की तरफ से भी, डोर हैंडल्स में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, 1 लीटर की पानी की बॉटल, थोड़े डॉक्यूमेंट्स, एंड अगेन दिस कार कम्स विद 12 स्पीकर वाला पूरा सेटअप जो कि सोनी की तरफ से, ठीक है। अंदर के बारे में अगर आप सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करते हो, सेम आप लोगों को जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलेगी इसमें आप लोगों को, जो मैंने जैसे बताया आपको, दो कलर का ड्यूल टोन का लुक, ब्लैक प्लस चॉकलेटी बोल लो आप भाई, मैं इजी शब्दों में आपको ये समझाऊंगा, कंपनी इसको कुछ और नाम से बोलती है लेकिन स्टिल आपको जो है इसमें आइडिया जो है देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो की है वो बिल्कुल नॉर्मल ही है, ठीक है भाई। इस गाड़ी के अंदर जबकि स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है भाई, इसको देने का क्या मतलब है, इसके ऊपर जो है महिंद्रा को सोचना चाहिए जरूर, ठीक है भाई। तो ये इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इसके बारे में आप लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों का खुद का ओपिनियन क्या है मेरे को जरूर बताना। डैशबोर्ड के बारे में बात करते हो, सो ये पूरा लेदराइट है भाई, ठीक है। अब इसका हम लोगों को अभी आई गेस हवा भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, हवा कम हो गई। अब यहाँ से आप लोग देखो एसी के वेंट्स में आप लोगों को सिल्वर फिनिशिंग प्लस ब्लैक मैट, स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, आप लोग जो देख रहे हो टॉप एंड वेरिएंट है, पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ, यहाँ से जो है आप लोग बीम एडजस्ट कर सकते हो, ये आप लोगों को ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसलिए आप लोगों को केवल एक्सेलेटर और ब्रेक इसमें देखने को मिलेगा, वो आपका डेड पेडल है, गंदा और का प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ऐसे कुछ इनके मैट्स देखने को मिलते हैं। सीट्स के बारे में बात करोगे, सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल, मैंने इसमें बैठ के चलाया, मेरे को बहुत जनरली जो है मजा आया। बाकी अगर आप लोग एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हो, यू गेट दिस 6-way एडजस्टमेंट, लंबर सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है, अच्छी है, मतलब समझ आने की उससे अगर आप लोग बात करोगे तो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी गर्म हो रखी है, इसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो पहला जो है मैंने सेल्फ मार के आप लोगों को जो है चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ड्यूल जोन एसी भी मिलता है, कि करके सब चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेयरिंग के बारे में हमारे, कि भाई स्टेयरिंग की क्या रिपोर्ट है। तो भाई स्टेयरिंग जो अगर आपने 100 का चलाया, सेम फील आप लोगों को इसके अंदर आएगी। जब मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करी थी, मेरे वाले स्टेयरिंग में गाड़ी लेफ्ट राइट लेने में थोड़ी थोड़ी कड़कड़ की आवाज़ कर रही थी, मतलब कुछ प्लास्टिक टच हो रहा था, कुछ हो रहा था, वैसी मेरे को प्रॉब्लम फील हुई थी। हाई स्पीड में इस गाड़ी के अंदर विंड नॉइज बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैंने टेस्ट ड्राइव के टाइम पर आप लोगों को बताया। बाकी अगर आप टॉप एंड वेरियंट के लिए जाते हैं तो आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मिलता ही है, ठीक है भाई। ये ड्राइवर के ओरिएंटेशन के उससे है, यहां पर जो आपको बीच में देखने को मिलेगा ये 8 इंचेस की स्क्रीन है, ये साइड साइड वाला पूरा ब्लैकआउट हो जाता है तो इसके धोखे में मत आना। नीचे की तरफ से आप लोग पूरा ऑप्शन है, इससे आप म्यूट आवाज चलाना चाहो, बंद करना चाहो, चेंज करना चाहो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर एलेक्सा है भाई, ठीक है। तो एलेक्सा आप लोग समझ सकते हैं भाई, फर्स्ट टाइम जो है इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल होती है। साथ साथ में इस गाड़ी की सीट के लिए मैं एक चीज अच्छी बताना चाहूंगा, जो हाई कमांडिंग ये जो चीज सीट्स बोलते हैं इसका टोटल वर्थ है। इधर से जो व्यू पॉइंट है आप लोगों को बोनट का दिखता है, ऑल्दो अगर आपकी हाइट छोटी है तब भी आप लोगों को
मजा आएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं गाड़ी के साथ में। यहाँ से पूरी लाइटिंग वाली चीज, यहाँ से आप लोगों के वाइपर्स, माउंटेड बटन कंट्रोल्स की क्वालिटी के बारे में बात करोगे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छा इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। साथ ही साथ में इस गाड़ी के अंदर टॉप एंड वेरियंट अगर आप लोग परचेस करते हो तो 6 एयरबैग जो है मिल जाते हैं। जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप लोगों की टॉप एंड 4x4 वाला जो पूरा एक मजा आपको चाहिए उसके लिए वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, इधर से मैंने आपको बता दिया ये आप लोगों के एक तरीके से ग्रैब हैंडल वाला काम, अगर आप अंदर चलना चाहो बाहर चलना चाहो इसमें आपको कर्टेन एयरबैग्स भी जो है अवेलेबल हो जाते हैं। सनरूफ भाई बहुत गर्मी कर रही है अभी ना, तो इधर से भी ये कम कर देता। मैं इधर से आपको बताता हूँ, आप लोगों को गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन एसी मिलता है, यानी कि अगर इधर बैठने वाले को टेम्परेचर सेट करना है वो कर सकता है, मैं चाहूँ तो यहाँ से अपने लिए अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकता हूँ। एसी के वेंट जैसे आप लोगों ने इधर देखा बीच में, अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ये क्रोम लाइनिंग वाला फिनिश जो है वो नीचे तक दे दिया है, लुक्स गुड। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लैंड क्रूजर की जो है आप लोगों को याद दिला देगा, थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ। SOS का बटन है, ये एक एक्स्ट्रा मतलब आप लोगों की सेफ्टी वाला फीचर है। यहाँ पर अगर आप दबाते हो तो ये आप लोगों का फ्रंट कैमरा जो है आप लोगों को लुक दिखा देगा। थोड़ा सा जो इनका सिस्टम है वो अभी लैगी है, एंड्रॉइड ऑटो इसमें आ चुका है, एप्पल कारप्ले भी नहीं आया, उसकी सर्टिफिकेशन की काम चल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ वहां पर आप लोग अगर देख पाओगे, ठीक है भाई ऑफ हो गया और जैसे किया तो हट जाएगा। यहां पर हिल डिसेंट जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है भाई आई गेस आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता चल गई है। नीचे की तरफ में आते हो तो एयरबैग ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन है। नीचे एक ये आप लोगों का सिस्टम से कनेक्ट करने वाली है जिससे आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो अगर आप चाहो तो वायरलेसली भी चला सकते हो और वायर के साथ भी चला सकते हो। यहां पर नॉर्मल जो आप लोगों को चार्जिंग का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब टेक्निकली जो है वायरलेस चार्जिंग जो है वो आप लोगों की इधर काम करती है। ठीक है भाई, इसमें अपना फोन रखो और आपका फोन जो है चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, 6 स्पीड जो है आप लोगों को ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स इसके अंदर मिलता है। ये आप लोगों का पूरा 4x4 वाला सीन जो है वो इसके साथ में आप लोगों को वर्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो जिस तरीके का भी जो भी टेरेन होगा जहां पर आप चला रहे होंगे ये उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप जैसा चाहोगे वैसी चीज जो है आप लोग इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ग्रास ग्रेवल स्नो मोड एक्टिवेटेड। अब आप जैसे ही मोड आप लोग चेंज करते हो तो इसके अंदर आ जाएगा सैंड मोड एक्टिवेटेड। ये सारे के सारे मोड्स आपको जो है इसके अंदर मिल जाते हैं, 4 तरीके के मोड्स मिलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप लोगों ने जानना है तो भाई जब मैं वीडियो डालूंगा ऑफ रोडिंग की तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज दे पाऊंगा। यहाँ पर एक कप होल्डर है, 2 कप होल्डर नहीं है, 2 कप होल्डर की जगह यहाँ पर थी, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है दे दिया। हैंड ब्रेक जो है वो नॉर्मल दिया, ये एक थोड़ा सा डिसहार्टनिंग वाली चीज़ है। यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक वाला या फिर वो इलेक्ट्रिक वाला देते तो ज़्यादा मज़ा आता। बाकी ठीक है भाई, इसके अंदर सोच सकते हो आप लोग। आर्मरेस्ट जो है ये आप लोगों का इधर से खुलता है, इसके अंदर इतना स्पेस है, यहाँ पर थोड़ी सी चाबियाँ भी रखने की जगह है, अच्छा है। फिनिशिंग जो है वो काफी अच्छी मेरे को लगी। गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर अच्छा खासा कंपनी ने काम किया। ये आप लोगों का जो है सेंटर स्पीकर का काम है। रियल IRVM में थोड़ी कॉस्ट कटिंग है क्योंकि इसमें आप चाहते तो इसमें हम लोग ऑटोमेटेड वाला दे सकते थे। ये आपका सनग्लास होल्डर है, यहां से आप लोगों की जो है LED लाइट जलती है। इस गाड़ी का जो एक मेन फीचर जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे वो है सनरूफ। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को सनरूफ मिलती है, नॉर्मल सनरूफ से थोड़ी सी चौड़ी सनरूफ है क्योंकि गाड़ी भी चौड़ी हो गई तो सनरूफ भी चौड़ी होना तो बनता है। ठीक है भाई, तो अब इसी के साथ इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने जो एक आइडिया वाइज देख लिया, पूरा जो लेदराइट आप लोगों ने देखा स्कॉर्पियो N की बैजिंग के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप लोगों को गाड़ी के अंदर 4 AC के वेंट जो है वो इजीली विजिबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसके बारे में जो है आपका क्या सोचना है, क्या ओपिनियन है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे की तरफ में अगर आप देखते हो तो ये आप लोगों का लाइट वाला विद कूल ग्लो बॉक्स जो है आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। स्पेस वाइज महिंद्रा ने अच्छा काम किया, स्पेस अच्छा दिया है। दोनों तरफ चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स है, मस्ट है। यहाँ पर आपकी वैनिटी विदाउट मिरर है, यहाँ पर वैनिटी आप लोगों की विथ मिरर विथ लाइटिंग प्लस पॉइंट है भाई। टॉप एंड में बनता भी है देना। ये आप लोगों का ट्विटर स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो पूरी है। अब थोड़ी सी ऑड पोजीशन है अगर एज ए ऑडियो लवर बात करें, लेकिन पता नहीं भाई सराउंड अराउंड कुछ उन्होंने बोला है। जैसा जैसा आगे चलते हुए वक्त आएगा मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। आप लोग अगर टॉप एंड के लिए जाते हैं तो आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं। कैप्टन सीट्स का भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसी की फैमिली में वो चाहते नहीं भाई हमारे 3 ही लोग इसमें बैठे तो उनको कैप्टन सीट के लिए नहीं ऑप्ट करना चाहिए। बाकी इसके एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपने जैसे देखा तो ये ऐसे ही पीछे भी चला जाएगा। ठीक है भाई, अभी मैं अकेला हूँ तो मेरी ताकत जो है वो ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर आप लोगों का आर्मरेस्ट है सेंटर, 2 कप होल्डर्स के साथ में कंफर्टेबल है। यहाँ पर एक हल्का सा हम्प है, ठीक है, तो बीच में बच्चा ही बैठ सकता है। सी चार्जिंग पोर्ट एक दिया हुआ है, यहाँ से हवा एडजस्ट कर सकते हो, फील आ रही होगी तुम्हें। ठीक है भाई, जो कमी है रियर मतलब बिल्कुल आखिरी रो में कोई AC वेंट की जगह नहीं दी है जिसकी वजह से बंदा गर्मी में परेशान हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग भी समझ लेना, आप लोगों को जितना भी इस चीज़ के बारे में जो है एक आइडिया मैं दे सकता हूँ उतना आप लोग ले लो। रियर अगर आप लोग सेकंड रो के हिसाब से बात करते हैं, अगेन सेम लेदराइट प्लस प्लास्टिक वाला जो मिक्सचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश, ये सिल्वर, ये भी आपका सिल्वर, एक पानी की बॉटल इसमें आ सकती है, बाकी डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा।
बैठने के फील के बारे में बात करते हो, तो अभी सीट मेरे से अच्छे और ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने एडजस्ट कर रखी है। तो यहां से अगर मैं इसको पीछे करना चाहूं, ये देखो, ठीक है, तो ये इतनी पीछे हो गई। अभी उतर के दिखाता हूं, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये कंफर्ट है भाई, पीछे बैठने वाले को मजा आने वाला है। जब वो हाईवे ड्राइव पे होगा तो मजा आएगा उसको ना। ठीक है, सेम अगर योली सीट भी आप चाहो तो इधर से कर सकते हो। और बाकी लास्ट वाली रो में जाने का क्या बनता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैसे आप लोग लास्ट वाली रो में बहुत लाइक अ प्रो जो है आप लोग जा सकते हो। उसके लिए जिसके लिए इजी हो मैं उस तरीका बताता हूँ आप लोगों को। अगर ये सीट थोड़ी सी आगे कर दे, ये आप लोगों को मैनुअली मिलती है। ठीक है, इस साइड भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ मेजर नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ठीक है, तो अगर अब आपने देखना है तो ये जो है ना, इसको ऐसे घुमाया एंड देयर यू गो। ठीक है भाई, यहाँ पर आपने पैर रखा, ये पकड़ सकते हो, नहीं तो अगर उधर तक हाथ जाएगा उधर तक पकड़ लो। ये देख लो, ये बिल्कुल साफ है क्योंकि कोई इसकी लास्ट रूम में बैठा नहीं है। अब ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है, तो उसके बाद तो बिल्कुल लेग रूम खत्म हो जाता है। और पीछे की सीट कैसे बताऊँ आप लोगों को ना, ये हेड रेस्ट है। पीछे की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर करके चलूँगा। ठीक है भाई, अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन रखो कि नहीं भैया ये तो बहुत कंफर्टेबल होगी, ठीक है, और आई गेस इसके अंदर एडजस्टमेंट का भी कुछ ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, सीट पीछे और नहीं हो सकती है भाई। इधर से भी चेकआउट कर लेते हैं, इधर से तो नहीं है, नहीं है भाई। ठीक है, ये आगे की तरफ ही फोल्ड होंगी, ये वैसे नहीं जा सकती। तो लास्ट वाली सीट तो भाई छोटे बच्चों के लिए है, बाकी छोटे बच्चे जो है वो कितना कंफर्ट फील करेंगे, किसी छोटे अपने घर पे कोई बच्चा होगा तब उससे ये ओपिनियन लूँगा। ठीक है, ये सीट नॉर्मल है, इसको भी आप लोग थोड़ा और पीछा करना चाहो कर सकते हो। तो मतलब दो रो के हिसाब से बात करोगे तो दो रो के हिसाब से तो इट्स सुपर कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्ट लेवल में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं होगा। अब बात आती है लास्ट रो की, तो भाई जो आपकी लास्ट वाली ये सीट है, ठीक है, जैसा मैं उधर ढूंढ रहा था इधर उधर, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता उधर से। आप लोगों के जो हेडरेस्ट है वो सारे के सारे जो है आप लोगों को एडजस्टेबल मिलते हैं। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, एक तो इसका अगर आप लोग तीनों रो यूज़ कर रहे हो, अब इधर से अभी अगर लेग रूम देखोगे तो एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से लेग रूम बहुत कम है, नॉर्मल स्पेसिंग उतना होता है। अगर उसको फोल्ड करना चाहे पीछे बंदा तो उसको खींच के भी फोल्ड कर सकता है। ठीक है, मैं इसको भी नॉर्मल करता हूँ एक बार ना, फिर आपको आइडिया मिलेगा। देखो, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल, जो आपको एक आइडिया मिल सकता है कितना आएगा। ठीक है, ये पहली बारी में इतना आया। ठीक है, ये नॉर्मल है, जितना मतलब नॉर्मली हो सकता है। अब देखो, अब इतने उसमें कोई बंदा बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा ये आप लोगों ने जज करना है। बाकी बूट स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन इस बूट स्पेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसको खींचो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना, इसको खींचो, तो इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर और स्पेस बन गया। अब इन्होंने ये क्यों किया, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अगर सिंगल फोल्ड होती है उसके ऊपर सामान रखते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी की सीट खराब हो गई, तो महिंद्रा ने इस चीज़ को सोचा। तो लास्ट सीट अगर यूज़ में नहीं आ रही है तो रख लो, और ये ऐसे तो अपने आप नहीं गिरेगा क्योंकि है भाई मैकेनिज्म, बाकी किस्मत ख़राब हो गई तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हैजार्ड वाला चीज़ जो है रखा हुआ है, ये आप लोगों की टूल किट है, और इस टूल किट के नीचे आप लोगों की पूरी ओरिजिनल जो फ्लोरिंग होती है वो लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का पूरा जो जैक के बारे में निकालने के बारे में बताया हुआ है। इसकी जो स्टेपनी है वो आप लोगों के नीचे प्लेस्ड है। ठीक है, एग्जॉस्ट टिप या कुछ भी आप लोगों को मेजर जो है देखने को नहीं मिलेगी, बस वही एक छोटी सी टुप्पी देखने को मिलती है। इधर से भी ये खोला जा सकता है, पीछे से इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा राउंड शेप में जो है इसको बनाया गया। और ठीक है यार, अच्छा लगता है ये आप लोगों का, थोड़ा हाइड्रोलिक एक इसके अंदर जो है पूरा हाइड्रोलिक वाली फील दी हुई है, तो जब भी आप जैसे बंद कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे एकदम से बंद नहीं हो रहा, थोड़ी सी ताकत से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक क्वालिटी जो हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि भाई डोर हैंडल तो अच्छे है, तो ये दरवाजे कैसे कैसे इनकी आवाज़ आती है बंद करने में, तो ये मैं आसानी से मार रहा हूँ, ईजी, बहुत ईजी भाई। ठीक है, अब बाकी तो हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में और अच्छी तरीके से तब बता सकते हैं जब एक दो कुछ आप लोगों को देखने को चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस, सेम। ठीक है भाई, आई होप सब कुछ आप लोगों को जो है दिखा दिया है। लास्ट चीज़ जो बच रही है वो है आप लोगों का, एक बार बोनट खोल के दिखाता हूँ इसका, फिर आपसे और बातचीत करते हैं। आखिरी और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बच रही है वो है इंजन बे की क्या शक्ल है। ये गाड़ी आप लोगों को डीजल
पेट्रोल दोनों के अंदर अवेलेबल है, मैनुअल ऑटोमेटिक उसके अंदर भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ में ये गाड़ी आप लोगों को फोर व्हील वाला जो फील है उसके अंदर भी मिलती है। दैट्स हाउ द इंजन बे जो है दिखता है। एमहॉक इंजन है इसके अंदर, जनरेशन मतलब न्यू जनरेशन वाला एमहॉक इंजन। अगर डीजल गाड़ी आप लोग लेते हैं, पेट्रोल में एम स्टैलियन का आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आप लोगों को जो है जो एक्सयूवी आती है 700 उसका ही आप लोगों को मिलता जुलता पूरा देखने को मिलेगा। इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं है, ये डंडे वाला ही सीन है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है इंसुलेशन कर रखी है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके जैसे ये खुलते वैसे आप लोगों का सिक्वेंशियल जो इंडिकेटर्स है दैट विल टर्न ऑन, ठीक है। आई होप आइडिया मिल चुका है भाई। जो मैंने आप लोगों को आज पूरा एक वॉक अराउंड दिया है या फिर फर्स्ट इंप्रेशन दिया है, ये मैंने किसी भी तरीके का बायस जो है ओपिनियन नहीं दिया। इसमें मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी वो मैंने बता दी, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहली चीज़ अगर लोग मेरे से पूछते हैं बाहर की डिज़ाइनिंग के बारे में, तो बाहर की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ऑल्टरस देखी हुई है तो आप लोगों को जो है थोड़ा मिलता जुलता फ्रंट का लुक देखने को मिल जाएगा। रियर के बारे में बात करते हो तो आप लोगों को वॉल्वो XC60 XC90 जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे मिलता जुलता देखने को मिलता है। इंटीरियर के बारे में आप बात करोगे तो इंटीरियर में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसका इंटीरियर आपने ऐसा देखा है, लेकिन अगेन प्रीमियमनेस वाइज बात करते हो तो इट लुक्स रियली रियली गुड। बाकी अगर सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हो, सेंटर कंसोल इज कहते ना इंस्पायर्ड बाय आप लोगों का लैंड क्रूजर वाला जो पूरा लुक है वो आपको देखने को मिलता है। इसका स्टेयरिंग जो है वो एक्चुअली 700 से आता है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी 700 से आता है। जो सेकंड रो की सीट्स है अगेन वो भी इंस्पिरेशन जो है आप लोगों की एक्चुअली 700 से ही आप लोगों को मिलती है। लास्ट रो के बारे में बात करोगे, लास्ट रो मेरे को पर्सनली लगी कि लास्ट रो जो है वो थोड़ी और इंप्रेसिव बनाई जाती थी। ऑल्दो लगेज रखने के उससे और ख़राब ना होने के उससे अच्छा सोचा गया, लेकिन स्टिल कुछ बेटर हो सकता था। बाकी इसमें जो आप लोगों को वेरिएंट मिलने वाले हैं Z2, Z4, Z6, Z8, Z8 11, उसमें वैल्यू फॉर मनी जो रहेगा वो Z6 होगा, लेकिन Z6 के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा, स्टील रिम्स मिलेगा। मेरे मतलब अगर आप लोग वैल्यू फॉर मनी कहते हो तो Z6 है, लेकिन एक जो सुपर ओपिनियन रहेगा Z8 आप लोग जरूर ले सकते हो। बाकी अगर आपका बजट डजेंट मैटर वाला सीन है तो Z8 L जो है आप लोग जरूर लेना। मैंने पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाई, मेरा कंसर्न डीजल के साथ ही था क्योंकि मेरे को डीजल के लिए ऑप्ट करना था। अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर द पेट्रोल इंजन यू विल गेट एम स्टेलियन 2.0 लीटर वाला जो आपका इंजन आता है वो आप लोगों को मिलता है। इफ यू आर गोइंग फॉर द डीजल इंजन आप लोगों को एम हॉक न्यू जनरेशन वाला एक कह सकते हो ट्रांसफॉर्म्ड जो है इंजन जो यहाँ पर मिलने वाला है, और ये अगेन आपका 2.2 लीटर है सेम, मतलब आप लोगों को मिलता जुलता जो थार वाला थोड़ा फील है वो आप लोगों को आ जाएगी। गियर बॉक्स के बारे में बात करोगे, गियर बॉक्स में देर इज नो मेजर चेंज, जो आप लोग अभी तक आते हुए देखते हो वही आप लोगों को चेंज जो है हुआ वो देखने को मिलेगा। ऑल दो फॉर द फ्रंट सस्पेंशन इन द रियर सस्पेंशन देयर इज सम डिफरेंस, लेकिन अगेन अगर आप लोग बात करते हो गाड़ी कर्व्स में जो है वो कैसा रिस्पॉन्स देती है, गाड़ी में कितनी जो है कहते हैं ना झूला तो नहीं बनती है गाड़ी चलाते वक्त, तो उस मामले में आप लोग कहोगे तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ब्रेकिंग वाइज इम्प्रूव हुआ है, और बाकी आई गेस सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को बोलूँगा गाड़ी लेने से पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर करना, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करे बिना कभी गाड़ी मत खरीदना। बाकी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसी और चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग भी वीडियो में लेके आऊँगा। और बाकी ऑफ रोडिंग वाला जो ब्लॉग है वो क्या पता इस वीडियो से पहले आ जाए बाद में आ जाए, आई रियली डोंट नो, लेकिन आप लोगों को एक पूरा डिटेल्ड वीडियो दे दिया। शोरूम में भी जाके आप लोगों को चेक करा देंगे कि शोरूम वालों का क्या कहना है कि उनको कैसी ये गाड़ी लगी। बाकी आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर @ फेसबुक मुसाफिर कास्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।